एम्पायर सूटिंग शर्टिंग टेलरिंग एसेसरी डिजाइनर एंड रेडीमेड शोरूम के एम आर होलसेल फ्लावर मार्ट रूबरू उस्मानिया मस्जिद फूल बाजार दीन खंदिल रायचूर। रायचूर जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम भारत फर्नीचर। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी उर्दू रायचूर न्यूज़ में आज सभी का खैर मकदम है। आज की अहम सुर्खी यह है कि शहर को खूबसूरत बनाने नए आरडीए सदर का इरादा। आरडीए के नए सदर वाई गोपाल रेड्डी ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल किया। जायज़ा लेने के बाद इन्होंने हमारे चैनल से गुफ्तगू करते हुए शहर की तरक्की के लिए काम करने के इरादों को जाहिर किया। हमारे एंकर इंडियन बादशाह से इनकी तफसीली गुफ्तगू मुलाहिजा करें। आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इंडियन बादशाह एवन टीवी उर्दू में आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, रायचूर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर कई लोग परेशान थे कि अनखरीब आरडीए चेयरमैन का डिक्लेयर होगा, मगर आज रायचूर शहर के लिए खासकर खुशखबरी है कि राज्यसभा भी रायचूर का डिक्लेयर हुआ। अब उसके बाद जो जिसकी ख़ास तौर पर सिटी पर जिसकी नज़र थी आरडीए चेयरमैन, वो भी अनखरीब डिक्लेयर हो गया और यापचट्टी गोपाल रेड्डी जी उसका चार्ज भी लिए हैं। कल मैं आरडीए ऑफिस में मौजूद हूं और सबसे पहले तो एवन टीवी उर्दू में यापचट्टी गोपाल रेड्डी जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं उनका और जो आरडीए मेंबरान बने हैं उनका भी वेलकम करता हूँ। सब हमारे एवन टीवी उर्दू में आपका वेलकम है। भाई साहब, आपको धन्यवाद बोलता हूँ। और मेरा ये सवाल है कि सबसे पहले आप आरडीए चेयरमैन जो भारतीय जनता पार्टी से बनाए गए, आप किन जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है भारत देश में। मैं बीएस येडियुरप्पा सीएम जयकू और नलीन कुमार कटील राज्य अध्यक्ष को हमारा इंचार्ज मिनिस्टर लक्ष्मण सवदी साहब को हमारा एमपी राजा अमरेश्वर नायक साहब को अब नया बने से हिंदुस्तान में अशोक गस्ती साहब पूरा भारत देश में बात कर रहा हूँ। रायचूर सिटी में उन कहाँ देखे भारत जन पर हिंदू लोग पीछे लगे से वालों को भी बहुत 30 साल से उन काम कर रहे थे। सामान्य कार्यकर्ते भी आज राज्यसभा सीट मिले से सब सुख शांति से सब सुख हुए हैं। सब लोग परेशान हो रहे हैं थोड़ा लोग यदि भारत देश में, इसलिए उसको मैं कंग्रेचुलेशन बोलता हूँ। उनको हमारा रायचूर एमएलए शिवराज पटेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। मैं समाज को भी हमारा मनोर काप समाज को हमारा इरेक्ट करे से उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। रायचूर सिटी में अब फर्स्ट रिंग रोड पहले एक बार दो बार भेजा गए थे, अभी ये बार में सब एस्टिमेट करा को अब ऊपर हमारा गवर्नमेंट है, केंद्र गवर्नमेंट है, राज्य गवर्नमेंट है, सिटी में भी अब हमारा एमएलए साहब है। यानी गली से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी। ये आज शुभ दिन आगे हो जाती सिटी को अच्छा होता बोल को हम सोच रहे, हम भी प्रामाणिक प्रयत्न करते। मगर रिंग रोड की तो जिम्मेदारी दूसरों को दे रहे बोल को रिंग रोड दूसरे के अभी एस्टिमेट नहीं है कभी से दूसरे के। ठीक है सर, आप तो अभी नया नया बैठे हैं, हम सबसे पहले तो आम तालाब में बोल रहे हैं। आपका नया फर्स्ट काम जब आप आरडीए चेयरमैन मुंतखब हुए चार्ज लिए, आप कहाँ से शुरुआत करना चाह रहे हैं? आम तालाब से शुरुआत कर रहे हैं। अब एक चार गार्डन भी है लोकल में रायचूर सिटी में,
वो चार गार्डन जैसे कि रायचूर में कई लेआउट अप्रूवल होते उसमें गार्डन रहते मगर वो गार्डन तो अप्रूवल नहीं होते, तो इसके बारे में आप क्या तभी सोचे सर? अब वो नया नया हम बैठे से चार दिन हो रहे, बस एक मीटिंग दो मीटिंग होने के बाद क्या हालत है क्या भी नहीं है, थोड़ा सोच ले को मीटिंग कर ले को आगे दिनों में अच्छा काम करने के लिए प्रयत्न करता है सिटी में। और ये आरडीए मेंबर नए जो आपके साथ बने हैं, हाँ इन सबका आपको समर्थन है पूरी तरह से? समर्थ समर्थ सोम शेखर वारद बोल के एक नया मेंबर है, चंद्र शेखर बेकुल नमान वाणिश्री मैडम भीमण हाँ ये चार मेंबर हैं, चार मेंबर साथ है सो मिलको। अब एमएलए साहब हमारा है और भी आप आरडीए चेयरमैन बनने के बाद में आपकी खुशी की जैसे आपका नाम ऐलान हुआ आपको कैसा महसूस हुआ सर? बहुत कई हुए तो ये एक बहुत रायचूर खूबसूरत शहर है हमारा छोटा सा, इसको और खूबसूरत जैसा कि और चार चांद लगा सकते तो सिर्फ ये ऑफिस है रायचूर डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपकी कुछ ना कुछ ख्वाहिश होंगी कि मैं रायचूर चेयरमैन बना तो इस तरह से रायचूर को डेवलप करूंगा, वैसा कुछ तो नहीं? आयो के दिन में लोग बोलेंगे ये चेयरमैन बैठने के बाद कुछ समझ लिया उन क्या तो करता बोल को हाँ। वो कर को बताएंगे वो कई आपके सर के आपके जो दोस्त है उन्हीं के साथ साथ हमारी भी कई एक लोगों की उम्मीदें हैं कि आप जरूर कुछ रायचूर को डेवलप करेंगे बोल को, इसलिए आपका क्या तो प्लान होगा सर ऐसा करना? प्लान वही बोले ना, आम तालाब करने के लिए स्टार्टिंग आम तालाब से चालू करेंगे, चालू करेंगे और चार गार्डन भी है आगे आगे कौन सा लेआउट वो ये है थोड़ा देखो मीटिंग कर ले को ये करते हैं रायचूर ओके सर सुंदर करने के लिए, रायचूर सुंदर बनने के लिए पूरा कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे। हमारी भी दुआएं आपके साथ है। इसी के साथ साथ जो रायचूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए मेंबरान भी मुंतखब हुए हैं मैं उनका भी एवन टीवी उर्दू में वेलकम करता हूं। सर आप भी इसके बारे में एक दो अल्फाज हमारे को हार्ड मेंबर करने के बाद बहुत खुशी हो गए। हमारा एमएलए साहब डॉक्टर शिवराज पटेल एंड अध्यक्ष वाई गोपाल रेड्डी सब जने मिलके अच्छे काम करते बोल के मैं 100% बोल सकते हैं। थैंक यू सर। आप वही सब हमारे नाम सब चंद्रशेखर चंद्रशेखर अब एमएलए साहब भी गोपाल रेड्डी साहब भी हमारे को मेंबर करे से जरा सिटी डेवलपमेंट क्या क्या करें सब देखकर हम सिटी डेवलपमेंट करेंगे और आम तालाब है गार्डन से कम्प्लीटली सिटी क्या है देख खूबसूरत सिटी करना बोलकर हमारा भी इरादा है। बहुत दिन से हमारा इरादा था मेंबर बनने का एमएल साहब की बहुत काश है। हमारा लोग बैठा था बीजेपी गवर्नमेंट बैठा था हमारा डेवलपमेंट 100% होता बोलकर सबको ये। तो नाजरीन ये है रायचूर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस, यहाँ पर चेयरमैन और उनके जो नए मेंबरान मुंतखब हैं उनके ख्यालात को आपने देखा और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये लोग मिलके इनकी जो टीम है ये ज़रूर रायचूर को और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हमारी आपके साथ दुआएं हैं। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू में